हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सितंबर महीने के 15 से 30 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाला है आपके लव लाइफ में, यही आज हम चेक करने वाले हैं डिटेल में। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हैं। यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से वर्तमान में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, नो मैटर। ओके, एंड अगर आपको पिकाकार्स रीडिंग देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है ब्लू मून टैरोट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ओके, तो वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नो मैटर, लेट्स सी। पॉजिटिव रहें। फर्स्ट यहाँ पर है द मजिशियन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सेकेंड यहाँ पर हैं फाइव ऑफ कप्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, नेक्स्ट यहाँ पर हैं सिक्स ऑफ कप्स एंड वन मोर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 15 से 30 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में हीलिंग आने वाला है, आप हील होने वाले हो। आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन था किसी को लेकर, या फिर आपके मन में अगर कुछ डाउट था किसी को लेकर, कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी या फिर था, नो मैटर, तो उन सारे समस्याओं का हल आपके पास आती हुई दिख रही है, वो क्लैरिफिकेशन आपके पास आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से, जिसके दौरान ही आपके दिल में आप एक सुकून, एक चैन महसूस कर पाओगे, बेचैनी कम होने वाला है एंड एक रिलैक्स वाला जो वेदर है ना, वो क्रिएट होने वाला है 15 से 31 तारीख के बीच में। कोई भी टेंशन हेडेक नहीं दिख रही है मुझे लव लाइफ के साइड से ओवरऑल। सो यस, आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा डूबते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से ना, बहुत अच्छे वाइब्स के साथ, प्यारे वाइब्स के साथ किसी को याद करते हुए दिख रहे हो। एंड आपको उस इंसान को सोचना, मतलब कि आप उस इंसान को सोचकर बहुत ज़्यादा बोर फील नहीं होने वाले हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगने वाला है, ये जिनको भी लेकर आप सोचने वाले हो पूरा 15 से 30 तारीख के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सोचने में। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। यस, वाटर साइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पर आर्थ साइन की एनर्जी है। फाइन, देखो फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में तगड़ी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है 15 से 30 तारीख के बीच में। 110% दिख रही है मुझे कि ये न्यू बिगिनिंग एंटर करके रहेगा आपके लव लाइफ में। फाइन, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल पर्सन हो तो आपके लव लाइफ में आप लिख कर ले लो कि कोई एक पर्सन एंटर करने ही वाला है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके जान पहचान के अंदर तो डेफिनेटली होंगे, या फिर आपके कोई कॉलिग्स हो सकते हैं जिनके साथ बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस, पुराना बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है जिनके साथ हो सकता है बहुत टाइम से आपका कोई रिश्ता नहीं है, बातचीत नहीं है, बंद हो गया है, बट मन ही मन आप उनको याद करते हो, वो आपको याद करते, ये वाला चीज़ दिख रही है। आप जिनको लेकर इस टाइम पर बहुत सा लवी डबी वे में सोचने वाले हो, ये इंसान भी दूसरी तरफ से आपको लेकर ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइन, तो ये कनेक्शन दोनों साइड से ही डेवलप होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग उनके सोलमेट या फिर लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, यस, एंड एक शादी का माहौल भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 15 से 30 तारीख के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर आपका एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका मैरिज का डेट फिक्स हो सकता है, आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है, नो मैटर, बट दिख रही है मुझे कि इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप तैयार होने वाला है आपके साथ किसी इंसान का, एंड वहाँ पर आप जितना उनको प्यार करोगे, प्यार दोगे, जितना रेस्पेक्ट दोगे, वो इंसान आपको इक्वली चीज़ें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो इसके वजह से ही मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाने वाला है। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं एंड उन लोगों के बीच में अगर बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है, आप वेट कर रहे हो, आप वेट करते करते थक चुके हो,
ऐसा वाला जिन लोगों का सिचुएशन है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि न्यू बिगिनिंग आने वाला है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पर दो आ चुका है, एक तो मैजिशियन का कार्ड है जिसका मैनिफेस्टेशन आप करते आ रहे हो बहुत टाइम से कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप जैसा चाहते हो वैसा एक पर्सन मिल जाए, जैसा चाहते हो वैसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए एंड सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि जिसको आप प्यार कर रहे हो वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातें समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको लव लाइफ को आगे ले जाने में दिक्कतें हो रहा है क्योंकि पास्ट के जो एक्सपीरियंस है ना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मच्योर बना चुके हैं अभी वर्तमान के टाइम में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस टाइम पर आप इनफाइनाइट लेवल पर अंदर से स्ट्रांग बन चुके हो, एनफ स्ट्रांग बन चुके हो। इस टाइम पर आप ऐसे ही एक इंसान को अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो जिनके साथ आप लॉन्ग टाइम तक चल सको, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को स्टे करवा सको, शादी कर सको, फैमिली क्रिएट कर सको। तो आपका इरादा तो बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है मुझे, तो ऐसे में वही इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके इन सारे विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं, जिस इंसान को आप डिज़र्व करते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं ना कहीं सिचुएशन बदलने की बात करता है। अगर किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में चीज़ें चल रहा है, आप चाहते हो उस इंसान को छोड़ना एंड नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इंसान हो सकता है आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या फिर किसी ना किसी साइड से आपको बहुत ज़्यादा ना स्टक वाला एनर्जी लग रहा है वर्तमान में, तो ये सिचुएशन से आप आसानी से निकलते हुए दिख रहा है। लव लाइफ के साइड से एक साइकिल वृषभ राशि वालों के लाइफ से खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है खत्म बहुत पहले ही हो चुका है एंड ये जो टाइम आ रहा है ये न्यू स्टार्ट होने का टाइम है। आपका हो सकता है ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है या फिर कुछ बुरे सिचुएशन से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो, हीलिंग कंप्लीट हो चुका है या फिर हीलिंग प्रोसेस से आप अभी भी गुजर रहे हो, या फिर आपका कुछ रिश्ता टूटा है, कई बार रिश्ता होते होते नहीं बना है, शादी के लिए अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, तो आपका जो ये इंतज़ार है ये हर तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके सो यस, सितंबर महीना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुजरने वाला है 15 से 30 तारीख के अंदर। एंड मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि 15 से 30 तारीख के अंदर आप जिस इंसान को प्यार करोगे, पसंद करोगे, वही इंसान आपके लाइफ में एकदम से परमानेंटली एग्जिस्ट करेंगे। उस इंसान को लेकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ना लवी डवी वे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान रहेगा, एक खुशी रहेगा, आप यहाँ पर ही देख सकते हो। फाइन सो यस, हो सकता है कि 15 से 30 तारीख के अंदर आपके कोई बचपन के दोस्त आपको कांटेक्ट करे या फिर आप कांटेक्ट करो, या फिर हो सकता है कि अचानक से रास्ते में कहीं पर मुलाकात हो, इस चीज़ का भी पॉसिबिलिटी बन रही है। एक टाइम पर हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था या फिर उन्होंने आपको हेल्प किया था, कुछ ना कुछ एक हेल्पिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसका ही ग्रैटिट्यूड शो करने हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर आपकी लाइफ में आए, बट चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ जाए, वो ग्रैटिट्यूड शो करने से ज़्यादा रिलेशनशिप में बदल जाए आप दोनों के बीच में चीज़ें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और हाँ, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो यस दिख रही है मुझे आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन के तरफ से वो फुलफ़िल डेफिनेटली होने वाला है। एंड जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए भी दिख रहा है मुझे अपकमिंग 15 से 30 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका तोड़ू फोड़ू गुजरने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक ब्यूटीफुल गुजरने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लव लाइफ में क्रिएट हो रखा था ना, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर ख़त्म होने की चांसेस बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही हैं। ओके सो देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, साथ में डिवाइन के ऊपर भी एंड खुद के ऊपर भी। आपको अगर कुछ हद तक कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रहा है, सपोज़ मान लो कि अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो एंड उनके फैमिली आपको पसंद नहीं करती या फिर आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं करते हैं, फैमिली इशू हैं, तो ऐसे में आप अगर हाल छोड़ रहे हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके हर एक विश पूरा होने वाला है। आप बस प्रे करते रहो, ग्रैटिट्यूड शो करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो एंड विश्वास रखो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आपका विश डेफिनेटली, आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली रियलिटी में बदलेगा।
नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और क्या बताना है गाइस, यहाँ पर आप देख ही सकते हो वृषभ राशि के लिए ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गोल्डन टाइम पीरियड चलने वाला है लव लाइफ के साइड से 15 से 30। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में, आपका लव लाइफ में ये जो चेंज है ना, ये आपके लाइफ को बदल देने वाला है। हर एक साइड से आपको सक्सेस दिखाई देगा, आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज होने वाला है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है 15 से 30 तारीख के अंदर कि नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम्स हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ते हो, या फिर इस इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने देते हो, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ बर्डन्स को अगर देखकर आप पीछे हट जाते हो, तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आप इस इंसान के साथ खुश रह सकते हो, आपका दिल खुश रह सकता है इस इंसान के साथ, तो आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। एंड देख लेते हैं उस पर्सन की तरफ से दो सॉन्ग्स जिनको सुनते टाइम आप थोड़ा सा लिरिक्स के ऊपर ध्यान देना, तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आपको मिल सकते हैं जिसके दौरान आप अच्छे से फील कर सकते हो उस पर्सन की बातों को, फीलिंग्स को। ओके, जो पर्सन आपके मन में रहने वाले हैं 15 से 30 तारीख के अंदर, आपके दिलो दिमाग में छाने वाले हैं, लेट्स सी। लिखे जो खत तुझे वजह तुम हो। सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।